यूपी में पुलिस प्रशासन कितनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करती है, इसकी एक बानगी बदायूं में देखने को मिली। अस्पताल में बेड पर करा रहे इस शख्स को देखिए। भैंस चोरी के आरोप में पुलिस ने इतना पीटा कि अस्पताल पहुंचा दिया। बदायूं के कोतवाली बिसौली चौकी दबतोरी क्षेत्र के गांव लक्ष्मपुर संग्रामपुर निवासी गुलशन की पत्नी का आरोप है कि भैंस चोरी के शक में चौकी दबतोरी पुलिस ने उसके शौहर को हिरासत में लेकर बेरहमी से थर्ड डिग्री दी, जिसके बाद बमुश्किल लगभग 60,000 रुपए लेकर शौहर को छोड़ा। घर पहुंचते ही शौहर की तबीयत खराब होने लगी और आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पति तनवीर के शरीर के साथ कानों में भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस की अमानवीयता सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले में पीड़ित तनवीर ने बेवजह चोरी के शक में पकड़कर पीटने और 60,000 रुपए लेकर छोड़ने का आरोप लगाया है। मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, मैं तो जंगल से आया था साहब। जंगल से आने के बाद चाय पीने बैठ गया था। आने के बाद ये बारिश खान पूरी गाड़ी लेकर सादा वानी में पुलिस वाले थे, परमवीर और एक धर्मिंदर और भी सारे लोग थे इनके साथ। मुझे नहीं पता कौन ये टीम को जो मैं जानता हूँ, ये मुझे उठा के ले गए। मेरी बीवी ने हाथ पांव जोड़े, पैर पकड़े, मगर बारिश खान ने लात मारे गिरा दी। मुलजिम उनकी पहले उठा लिया था उन्होंने अपने चौकी में, मुलजिम दूसरा है किसी और गांव का निकला, लेकिन मेरे शौहर को बिना खताब बिना कसूर मारा। कौन से खताब में मारा मेरे शौहर को, और आप देख सकते हैं कितनी चोट लगी है मेरे शौहर को। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि बिसौली कोतवाली क्षेत्र के दबतोरी चौकी क्षेत्र के लक्ष्मीपुर संग्रामपुर में भैंस चोरी के शक में पुलिस द्वारा पिटाई करने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद चौकी के दरोगा वारिस खान और दो सिपाहियों धर्मवीर और धर्मेंद्र को सीओ बिसौली की जांच के बाद एसएसपी बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह ने निलंबित कर दिया है। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के ग्राम लक्ष्मीपुर की ये घटना है, जहां पर एक भैंस चोरी की शिकायत पर चौकी प्रभारी दबतोरी द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को घर से चौकी पर लाया गया और उनके सिपाहियों द्वारा उसके साथ कुछ मारपीट की गई। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसका आरोप है कि इनको चौकी प्रभारी द्वारा उससे पैसे लेकर के उसको छोड़ा गया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बिसौली की रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी और उनकी चौकी के दोनों अन्य आरोपी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है और इसकी विभागीय कार्यवाही की जा रही है। विभागीय जाँच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।